सर सैलरी है इसमें 500 रुपए पर डे। और अभी इनके पास सामान है कितने डिलीवरी करनी है अभी, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो दोस्तों, मैं लोअर में खड़ा हूँ। मतलब थोड़ा चोट लगी हुई है ना, तो दिक्कत हो रही है पैंट वैंट पहनने में, इसलिए मैं लोअर में हूँ। तो हमारे राहुल भाई जो दोस्त हैं, अक्सर उसको आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग में, वही बंदर जो केले खाने वाली थी ना, वही है, वो वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जियो मार्ट के ऊपर। ये भाई हैं हमारे साथ, पास आ जाओ राहुल। ये काम कर रहे हैं जियो मार्ट में, क्या नाम है भैया आपका? पिंकू। पिंकू जी है, और काफ़ी अच्छे लगे मेरे को आते ही। मतलब कुछ लोग लड़के मना कर देते कि यार मत बनाओ वीडियो, क्यों बना रहे हो, क्या है, लेकिन उन्होंने जैसे बोला ना यूट्यूब के लिए, तो ऐसे होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप अगर किसी को ज्ञान बांटते हो तो ज्ञान हमेशा बढ़ता है, सही बात है ना? तो अगर ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, नहीं बांटोगे तो घटेगा, ऐसा मानना है। तो सबसे पहले आपने ज्वाइन कैसे किया इसमें? जी भाई, हमने ज्वाइन किया वेंडर के थ्रू। अच्छा, ठेकेदार था वेंडर का थ्रू। अच्छा, उससे अच्छा। ज्वाइन करवाया हमने। तो इसमें ना एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है वेंडर के थ्रू। डायरेक्ट जाते हैं आप, जाइए जहाँ पे वेयर हाउस है वहाँ पे हो जाएगा। ये ना जिंगो जो है, जिंगो लॉजिस्टिक है, ये आप देख रहे होंगे इस गाड़ी में लगा हुआ है। ये वही गाड़ी है दोस्तों हीरो की, जो जिप प्रोवाइड करती है, जो जिप इलेक्ट्रिक रेंटल का मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी इनके पास सामान है, कितने डिलीवरी करनी है अभी? भाई मैं डिलीवरी लेके आया था, 15 पैकेट लाया था। अच्छा। मैंने सारे डिलीवरी कर दिए। ये 2-3 पैकेट दिखाओ, ये देखो 2-3 पैकेट इनके अभी ये रह गया है। ठीक है, 2-3 पैकेट रह गया। उसमें ग्रोसरी वगैरह और सारा आइटम है। हमें जो लेके आया था 30 खीरा जो लेके आया, कितना किलो था ये? ये होगा दो किलो होगा, 2 किलो है, मात्र 30 रुपए का। तो ये जियो, और अब ज्वाइन करने के लिए मतलब आप वेंडर के थ्रू लगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? जी भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, और 2 फोटो बस। कमाई जो है ना दोस्तों कितना करते हैं वो बाद में पूछेंगे, उससे पहले ये किस किस एरिया में, जैसे हम अभी तो आप नोएडा में हो जी। तो नोएडा में कहाँ पे ये हब? भाई नोएडा में हब नहीं है, इंद्रपुरम में हब। अच्छा, इंद्रपुरम में, जयपुरिया मॉल में। जयपुरिया मॉल में जियो मार्ट का? ओके, जयपुरिया मॉल में है। और यहाँ नोएडा में नहीं है? नोएडा में नहीं है भाई। तो दिल्ली में कुछ है पता है आपको? नहीं। तो बाकी आप गूगल पे मिल जाएगा ना कहीं कहीं, तो जो गूगल पे मिलेगा कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे लिख के दे दूंगा जहाँ जहाँ है, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एकदम से मुझे याद आया कि यार अपनी तो कैटेगरी के हैं भाई, और ये इलेक्ट्रिक चला रहे हैं। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक में भी प्रॉब्लम आती है? भाई ये प्रॉब्लम तो आती है, मगर कभी कभार ऑफ करके डायरेक्ट ऑन करोगे ना ऑन नहीं होगी। अच्छा। फिर आपको बटन ऑफ करके फिर ऑन करना पड़ेगा, तब ऑन होगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये करा आपने ऑन, ये ऑफ करा, ये ऑन कर रहे हैं रहने दो, और ये ऑन करा, ये ऑन नहीं होगी बिल्कुल। अच्छा। बहुत लेट ऑन होती है, और कभी कभार ऑन ही नहीं होती, फिर 2-3 बार ऑफ ऑन करना पड़ता तब जाके ऑन होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक में ये प्रॉब्लम बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और एक चीज़, जैसे आप सामान लेके चल रहे हो तो सामान के लिए तो परफेक्ट है ये जी, और सवारी के लिए कुछ क्या आइडिया बताओ कुछ, जैसे मैं अगर हम सवारी लेके चला रहे हैं तो उसमें क्या? नहीं सर, सवारी के मतलब की नहीं है, नहीं है ना, यही मेरा भी मानना है। और अभी कुछ दिनों में मैं जिप का जो स्कूटी है उसको पर्सनली चलाऊंगा, तब बताऊंगा। तो अभी हम लोग जियो मार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट भी बता दिया भैया आपने, और पिंटू भैया से अब हम ये पूछते हैं कि भैया मतलब सैलरी किस हिसाब से देते हैं ये? सर सैलरी है इसमें 500 रुपए पर डे। अच्छा, उसमें हमें हफ्ते में एक छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक छुट्टी मिलेगी जी, तो 500 रुपए डेली है। तो कितने घंटे मतलब लॉगिन रहना पड़ता है? क्या 10 घंटे? 10 घंटे लॉगिन रहना ही है, 10 घंटे। और लॉगिन रह के कहाँ रहोगे आप? जहाँ पे जैसे आप जयपुरिया मॉल में है, तो उसके कितने डिस्टेंस के अंदर हमें लॉगिन रहना पड़ता है? जी सर, आप एक बार लॉगिन करो, आप अपने पैकेट मारो, आप जितनी जल्दी पैकेट मारोगे कोई दिक्कत नहीं, आप जाके वहाँ लॉगिन रहो, फिर आपको मर्जी है तो आपके पैकेट मारो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 घंटे बाद लॉग आउट कर दीजिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिनिमम ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर का कोई टारगेट? जी सर 15+, मतलब 15+ डिलीवरी करनी है। जी जी, तो आप एक ही में 10 लेके आ गए हो, और 5 करने हैं आपको? हाँ जी जी, नहीं ना, मैं सर 15 ही लेके आया था मैं। अच्छा, 15 एक ही बार में किस्सा खत्म? हाँ, एक ही बार में 15। फिर 10 घंटे लॉगिन रहना है, और 10 घंटे में ये जो डिलीवरी है पूरा 10 घंटे में करना है। तो और इसमें जब 500 के अलावा कुछ मिलता है पेट्रोल, मतलब क्योंकि गाड़ी तो दे रही है कंपनी? नो सर, कोई है। और इसमें कोई और पिंटू जी ऐसा ऑप्शन है कि मैं अपने बाइक से, जैसे मेरे बाइक में ये चलाता हूँ, ये देख रहे हो ना पीछे, ये तो इससे मैं कर सकता हूँ कुछ ऐसा, बताओ आप? सर आप करेंगे तो आपका खाली बिल एवरेज भी नहीं निकलेगा, खाली बिल पूरा दिन खराब हो जाएगा। उनका रिएक्शन देखा आप लोगों ने कि मेरी बाइक देख के ही बोला कि ये, लेकिन मैं इसी से चला रहा हूँ बिल्कुल 3 साल से, बेकार। इससे पहले एवेंजर चलाता था, अब ये चलाता हूँ। तो और इसमें मतलब सैलरी का कुछ नहीं है, 500 रुपये डेली का? डेली। तो पैसे कब मिलता है?
महीने में जब 10 से 15 के बीच में होता है जो भी हो आपके सैलरी अकाउंट में आ जाती है। अच्छा अकाउंट में आएगा जो आप मतलब डेली पर डे का 500 रुपए है इस हिसाब से 15,000 रुपए। और अपने इस गाड़ी से नहीं कर सकते, कंपनी ही देगी जियो मार्ट में, है ना? जी जी। ओके ओके। और जो बड़ा बड़ा पार्सल आते हैं टेम्पो वगैरह में सर, वो उनके लिए वैन वगैरह होते हैं अवेलेबल होते हैं, वैन वगैरह उनके होते हैं, वो अब उनके 25 रुपए 20 रुपए पैकेट जो भी होते हैं उनके सर, उनके भी इलेक्ट्रिक ही होते हैं, वो कोई दूसरे वेंडरशिप से होती है। तो भाई बहुत पिंटू भाई ने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि अक्सर डिलीवरी पार्टनर के पास टाइम नहीं रहता, और जो भी इनसे 8-10 मिनट मैंने लिया है उसके लिए सही दिल से शुक्रिया पिंटू जी, आपने हमें टाइम दिया। और वो शक्ल तो दिखा दो, लोग हमारे कहीं रास्ते में आप दिखोगे तो ये हैं पिंटू जी, कभी रास्ते में दिखो तो दुआ सलाम करते हुए जाना इनसे भी, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच यार पिंटू भाई, चलो अब अगली जो है डिलीवरी कर लो, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन हो, वैसे मुझे पता आप लोग सर्च कर देखते रहते हो चीज़ें, तो जो भी इन्होंने बताया हमने कोशिश करी बताने की, थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरीके से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और पता ही आप लोगों को क्या करना है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर